गुजरात एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान हिंदुस्तान में कुछ खास है, जहां ये राज्य अपने आप में एक विकास गाथा को समेटे हुए है, तो गोधरा कांड जैसा मामला एक धर्म विशेष के लोगों के लिए पीएम मोदी को कोसने के लिए मुद्दा बना हुआ है। कई रियासतों का विलय कराकर एक विशाल भारत का निर्माण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसी सूबे से आते हैं। विकास की भारत लिखने वाले पीएम मोदी का सियासी आगाज भी गांधीनगर से ही हुआ और उनकी सेवाएं भी आज देश को मिल रही हैं। लेकिन आज आपको गुजरात की विकास गाथा के उन नायकों के बारे में बताते हैं जिन्होंने इस विकसित राज्य की बुलंद इमारत में विकास की ईंटें लगाई। पहला नाम डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता। ये नाम इसलिए अहम है क्योंकि वह नव निर्मित राज्य गुजरात के पहले मुख्यमंत्री थे। 29 अगस्त 1887 को जन्मे मेहता गांधी जी के पर्सनल डॉक्टर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता डॉक्टर मेहता 1 मई 1960 से 19 सितंबर 1963 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद वह 1963 से 1966 तक यूके में भारतीय उच्चायुक्त भी रहे। 1971 में वो लोकसभा के सदस्य भी चुने गए थे। राजनीतिज्ञ हितेंद्र देसाई। कांग्रेसी राजनीतिज्ञ हितेंद्र देसाई राज्य के तीसरे सीएम थे। वे लगातार तीन बार 20 सितंबर 1965 से 12 मई 1971 तक राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में ही राज्य ने 1969 में पहला बड़ा सांप्रदायिक दंगा झेला। सीएम चिमन भाई पटेल। नव निर्माण मूवमेंट के चलते गुजरात के 8वें कांग्रेसी नेता चिमन भाई पटेल के इस्तीफे के बाद विधानसभा भंग कर दी गई थी। इसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो 14 साल तक रहे कांग्रेसी शासन को हटाकर 14 जून 1975 को जनता मोर्चा के बाबू भाई पटेल राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने। वह राज्य के पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। उनके सीएम बनने के हफ्ते भर बाद ही देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मार्च 1976 तक सीएम की कुर्सी संभाली। 1977 में वह जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर राज्य में सीएम की कुर्सी पर बैठे। माधव सिंह सोलंकी। कांग्रेस के नेता माधव सिंह सोलंकी ने आपातकाल के बाद 24 दिसंबर 1976 से 10 अप्रैल 1977 तक राज्य के सीएम की कुर्सी संभाली। इसके बाद 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद वह फिर राज्य के सीएम बने। इस दौरान 1981 में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया गया, जिसका राज्य भर में खासा विरोध हुआ। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में दंगे भी भड़के, जिनमें 100 से ज्यादा लोगों की जाने गई। इस वजह से उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान 1985 में पद से इस्तीफा दे दिया। केशुभाई पटेल। 14 मार्च 1995 को राज्य के 17वें और बीजेपी के पहले सीएम के तौर पर केशुभाई पटेल ने शपथ ली। तब बीजेपी ने 182 सीटों में से 121 सीटें जीती थी, लेकिन केशुभाई बहुत समय तक सीएम नहीं रह सके। उसी साल अक्टूबर में ही उनको सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। 1998 में वह एक बार फिर राज्य में सीएम बने। इस बार भी वह कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और 2001 में भूकंप के बाद पुनर्वास कार्य में उनकी शिथिलता और एक के बाद एक कई उपचुनाव और नगर निगम चुनावों में बीजेपी को मिली हार के बाद उनको फिर कुर्सी से हटा दिया गया और उनके बाद नरेंद्र मोदी राज्य के सीएम बने। शंकर सिंह वघेला। 1995 में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद सीएम पद की दौड़ में शंकर सिंह वघेला का नाम आगे चल रहा था, लेकिन उनकी जगह केशुभाई पटेल को सीएम बनाए जाने से नाराज वघेला ने 47 विधायकों के समर्थन के साथ पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अंत में वह केशुभाई को हटाकर अपने गुट के नेता सुरेश मेहता को सीएम पद की कुर्सी पर बिठाने में सफल रहे। लेकिन 1996 में वघेला गोधरा सीट पर हार गए और उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी छोड़कर राष्ट्रीय जनता पार्टी की नींव रखी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2001 में राज्य में 22वें सीएम के तौर पर कुर्सी संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ही राज्य के पहले और अब तक के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो लगातार 13 साल तक इस कुर्सी पर रहे और तीन कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरे किए। 2014 में पीएम की कुर्सी संभालने के लिए उनको सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आनंदीबेन पटेल। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के बाद आनंदीबेन पटेल राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वह 2 साल तक इस पद पर रहीं। विजय रूपानी। आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष विजय रूपानी को राज्य का 16वां मुख्यमंत्री चुना गया। विजय रूपानी के लिए ताज कांटों भरा था। रूपानी ने ऐसे वक्त में सूबे की कमान संभाली है जब पटेल आक्रोशित दलित ध्रुवीकरण किया जा रहा है। ऐसे में कमल को खिलाए रखना रूपानी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।